दो चीज़ें कहना चाहूँगा। बिल्कुल, पहले तो थैंक यू कि इंडियन सिनेमा के लिए आपने कुछ बहुत तोड़ फोड़ किया है। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है री रिलीज़ के साथ? इस बार तुम्बाड़ के साथ एक सरप्राइज़ भी है, फिल्म में कुछ तो ऐड किया हमने, तो लोग जो देखेंगे बहुत मज़ा आएगा। लोग जिन लोगों ने तुम्बाड़ नहीं देखी है उन्हें तुम्बाड़ क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि ऐसी फिल्म हिंदुस्तान से बनी नहीं है। ये दादी माँ की कहानी है कि एक राजा होता था, कोई गुफा में जाता था, वहाँ एक राक्षस था, और गेम ये था कि राक्षस आपको टच करेगा तो आप भी राक्षस बन जाओगे। आपको भुवन को कास्ट करना चाहिए एज अ राक्षस, और उसको तुम्बाड़ बहुत पसंद है। फिल्म मेकर्स बात करते हैं, राइटर्स रूम्स में बातें होती है तुम्बाड़ की, राइट? तो आपने करेक्ट क्या किया? आप फिल्म को देखोगे, मूड हमने कैप्चर किया, हमने बारिश में शूट किया है, तो उसके लिए अगर बारिश निकल गई तो हमें एक साल सीधा जंप करना पड़ता था, क्योंकि बारिश तो चलो आप आर्टिफिशियल करवा लोगे, क्लाउड्स मैच करने पड़ेंगे। पूरी फिल्म में देखोगे तो आपको लगेगा कि ये ट्रांसपोर्ट करती है आपको। अगर सिनेमा से बाहर निकलोगे तो आप सोचोगे कि बारिश नहीं हो रही क्या। ऑल्टरनेटिव एंड भी हुआ करता था फिल्म में। पांडुरंग जो है विनायक को एक बोरी में लपेटता है जैसे दादी की तरह, और खींच के लेके जा रहा है। आपने ना तंत्र की दुनिया से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स अडॉप्ट करे, राइट? कुछ ऑकल्ट चीज़ें हुई। एक ही वाड़ा था और वो वहाँ आसपास के लोग कहते थे कि सर रात को ना वो थाली में कुछ रख देते थे। एक दिन मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये क्या रख देते हो, तो मैंने बंद करवा दिया। तो अगले दिन से कुछ लाइट उड़ जाए, कुछ फ्यूज उड़ जाए। क्या आप सीक्वल्स में भी एक्टिंग करोगे? तुम पार्ट 2 की फाइनली हमने एक स्क्रिप्ट लॉक कर ली है। उम्मीद है कि अगले साल। रणवीर सिंह, आई थिंक सिनेमा कभी कभी आपको जादू दिखाता है, और तुम्बाड़ वो फिल्म है जिसमें आप जादू देखो। आजा राजा बेटा, खजाना चाहिए। दोस्तों, अगर हम भारत की फिल्मों की हिस्ट्री को स्टडी करें तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्हें थिएटर्स में मूवी गोअर्स ने शायद उतना सेलिब्रेट नहीं किया जितना सेलिब्रेट करना चाहिए था। पर टाइम के साथ भारत को पता चला कि यार ये फिल्म ना गोट फिल्म थी, लेजेंडरी फिल्म थी, इस फिल्म को और भी भारतीयों को देखना चाहिए था। आज के पॉडकास्ट में ऐसी ही एक फिल्म की बातें होंगी, तुम्बाड़, जिसका नाम आपने अपने सोशल सिचुएशंस में सुना होगा, दूसरे पॉडकास्ट में सुना होगा, रील शॉर्ट्स पर सुना होगा, क्योंकि ये फिल्म ही इतनी ग्रेट है। ये फिल्म आज फिर से थिएटर्स में रिलीज हो रही है। तो इस पूरे पॉडकास्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा। पहले पार्ट में हमने उन लोगों को एड्रेस किया जिन्होंने तुम्बाड़ देखी नहीं है। What to expect? Why should you go watch that film? ऐसे सवाल आंसर हुए। पर इस पॉडकास्ट के सेकेंड पार्ट में हमने तुम्बाड़ फैंस के लिए एनालिटिकल बातें करी है, तुम्बाड़ के लेयर्स को अनपील करा है, और सोहम शाह, इस फिल्म के स्टार और प्रोड्यूसर, से इस फिल्म के लॉर यानी कि बैकग्राउंड कहानी उसके बारे में बात करी है, तुम्बाड़ 2 और 3 के बारे में बात करी है, और ऐसी ही बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बातें करी है तुम्बाड़ के जर्नी के बारे में। आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे इस सिनेमा स्पेशल ऑफ TRS को। सोहम शाह आ चुके हैं। सोहम शाह का बहुत प्यारा, थोड़ा सा डरावना स्वागत है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद यार, मुझे तो अभी पता चला कि आप तो हमारे एरिया में रहते हो। ये हमारा एरिया होता था, यहीं बनी है तुम्बाड़। आई थिंक लोग वर्सोवा के पावर के बारे में नहीं जानते। जो लोग यहाँ रहे हैं, जिन्होंने यहाँ काम किया, उन्हें वर्सोवा के पावर के बारे में पता है। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ वर्सोवा में मतलब कितने लोग, मुकेश छाबड़ा, अतुल मोंगिया, तुम्बाड़ बनी, और फिर आप। मैं न्यू एडिशन हूँ, पर आप सबसे खतरनाक एडिशन हो। न्यू एडिशन नहीं हो, आप मोस्ट पॉपुलर एडिशन हो। आप सबसे खतरनाक एडिशन हो। चलिए, मैं मान लेता हूँ क्योंकि मैंने हॉरर फिल्म बनाई है तो मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी। ये सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं है, आपके साथ साइकोलॉजिकली मैस अराउंड करती है, आपके दिमाग में रह जाती है सालों के लिए। इतने सारे सवाल है। पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एक कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत आइकॉनिक फिल्म बन गई है सर, एंड आई थिंक कि अब दुनिया पहचानेगी इस फिल्म को। तो हाउ डू यू फील कि आपके दिमाग से, आपके दिल से ऐसी एक आइकॉनिक आर्ट पीस बन गई? थैंक यू रणवीर यार, इतने सारे प्यार भरे शब्दों के लिए। और मुझे लगता है कि मेरे दिल से, या मैं तो कौन हूँ यार बनाने वाला, सब ऊपर वाले की सब अंदर फिट आपके, आपका पर्पस लिखा हुआ है, मैं ये मानता हूँ। तो मैं तो बनाने आया था शाहरुख खान टाइप की फिल्म। मैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान देखकर पला बढ़ा हूँ, पर शायद आई गेस डेस्टिनी ने कुछ और प्लान किया हुआ था कि मैंने शिप ऑफ थीसीस बनाई, तुम्बाड बनाई। पर बहुत टफ जर्नी थी हमारी तुम्बाड की, पर बहुत मज़ेदार जर्नी थी। मैं मानता हूँ कि कुछ कुछ आर्ट पीसेस आपसे बनाए नहीं जाते, वो आपको चुनते हैं। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल करेक्ट मानते हो। मुझे लगता है कि फिल्म की अपनी एक डेस्टिनी होती है, खासकर मैं जैसी फिल्में बनाता हूँ उनकी शुरू होने की डेट तो डिसाइड होती है, उनकी ख़त्म होने की, उनकी रिलीज़ होने की डेट डिसाइड ही नहीं होती। क्योंकि फिल्म, जैसे तुम्बाड़ में क्या था, फिल्म आगे आगे हम पीछे पीछे, फिल्म कह रही थी यार मुझे ऐसे बनाओ, क्योंकि डेस्टिनी थी, क्योंकि टफ फिल्म थी। हमने जब शुरू किया था तो हमें लगता था कि यार हम बहुत समझदार मैच्योर लोग हैं, हम कुछ कूल कर देंगे, सब इंटेलिजेंट लोग हैं, पर कोई मैच्योर था नहीं, सब 35 से नीचे नीचे थे, किसी, सबके सपने बहुत बड़े थे, करते कैसे हैं ये किसी को नहीं पता था। तो हमने प्रोस्थेटिक में जो काम VFX में होना चाहिए था, हमने सोचा हम प्रोस्थेटिक से अचीव कर लेंगे। तो हमने एक हस्तर बनाया प्रोस्थेटिक में, काले रंग का, शूट किया प्रॉपर, एडिट पे देख रहे हैं तो वो प्रोस्थेटिक फट रहा है, तो आपको लगता है कि यार इसको चेंज करना पड़ेगा। तो फिर कुछ और प्लान हुआ। दादी मोटी हुआ करती थी 500 किलो की, तो जिस आर्टिस्ट ने बनाया हमने कहा भाई और तो कोई पहन के चलेगा नहीं इसको, तुम ही पहन के चलो। तो वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, चल रहा है, हो नहीं रहा। तो ये सब आया कि डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा। जब डिज़ाइन चेंज हुआ तो राइटिंग चेंज हुई। तो इन अ वे फिल्म की मुझे लगता है कि अपनी डेस्टिनी होती है, उसकी रिलीज़ होने की भी एक डेस्टिनी होती है। किसने सोचा था कि तुम्बाड़ 6 साल के बाद दोबारा रिलीज़ होगी। मतलब वो टाइम ऐसा था जब 1 वीक की विंडो मिला करती थी आपको। तुम्बाड़ के आगे अंधाधुंध थी, पीछे बधाइयों थी। और आज 2024 में थिएटर खाली हैं, सिनेमा री रिलीज़ हो रहा है, तुम्बाड़ को मौका मिल रहा है। आई गेस सब डेस्टिनी है यार। वैसे तो बहुत सवाल है जो आपने अब भी कहा, उससे रिलेटेड टेंजेंशियल सवाल है, बताओ ना। पर पॉडकास्ट के स्टार्ट में हमने ऐसे प्लानिंग करी है कि जिन लोगों ने तुम्बाड़ नहीं देखी है उन्हें हम पहले एड्रेस करेंगे, और फिर एक पॉइंट के बाद, इंटरमिशन के बाद, पॉडकास्ट के इंटरमिशन के बाद सारे एनालिटिकल सवाल, मैं बहुत सारे मेकिंग ऑफ सवाल पूछूंगा वगैरह वगैरह। चलिए आप जो पूछिए, मैं आपके हवाले हूँ सर। ओके, जिन लोगों ने तुम्बाड़ नहीं देखी है उन्हें तुम्बाड़ क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि ऐसी फिल्म हिंदुस्तान से बनी नहीं है, इसलिए देखनी चाहिए। लाइक हॉरर इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड। मतलब मेरे हिसाब से इसका जॉनर आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये दादी माँ की कहानी है। जैसे दादी माँ कहानी सुनाती थी ना कि बेटा एक राजा होता था, अभी मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ कि एक राजा होता था, वो एक गुफा में जाता था, वहाँ एक राक्षस था, वो राक्षस से खजाना लेके आता था, और गेम ये था कि अगर राक्षस आपको टच करेगा तो आप भी राक्षस बन जाओगे। अब ये कहानी है। मतलब मुझे लगता है कि फोकलोर सही मायने में हाथी मताई बनी थी मेरे हिसाब से, कुछ 70s 80s में, ऐसा मैंने नाम सुना हुआ है, शायद जितेंद्र थे उसमें। उसके बाद फोकलोर बनी नहीं है इंडिया से। तो इसलिए देखनी चाहिए कि इस जॉनरा की कोई फिल्म नहीं है। इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म। थ्रिलर है, ड्रामा है, डर लगता है आपको, और दादी माँ की कहानी है सबसे ज़्यादा, और कुछ ना कुछ सिखाती है आपको। इट्स अ मॉरल टेल। और हिंदुस्तान में तो खास कर ये कि हम सिनेमा से सीखते हैं। अब तो क्या कि बहुत अवेयरनेस आ गई है सोशल मीडिया के टाइम में। एक टाइम था, जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 3 इडियट्स फिल्म देखने के बाद पेरेंट्स ने अलाउड किया था बच्चों को, अच्छा बेटा तुम सिंगर बनना चाहते हो कर लो, नहीं तो उससे पहले 3-4 प्रोफेशन होते थे, इंजीनियर बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ। तो फिल्मों का हमारे यहाँ बहुत इम्पैक्ट है। तो मुझे लगता है कि इसलिए ये फिल्म देखनी चाहिए कि बहुत ही यूनिक फिल्म है। बिल्कुल भी हॉरर एलिमेंट्स नहीं थे आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के टाइम? नहीं, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो हॉरर जैसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसकी, कोई जंप स्केयर्स नहीं है कि आपको ऐसे लगे कि दरवाज़ा खुलेगा अब कौन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। कि है, क्रीचर है, क्रीचर की फिल्म है, बट इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म। एक बार आपको समझ में आ गया तो कुछ और ही कहानी है, कुछ और ही सेटअप है। ओके, हमारा जॉनरा नहीं है। अगर आप बुक माई शो पे जाओ, जब हम 2018 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो जॉनरा क्या है, फोकलोर नाम का जॉनरा नहीं है। तो आप किस में डालोगे, आप हॉरर थ्रिलर ये करके आप टैग कर देते हो हॉरर, बट इट्स नॉट हॉरर हॉरर अकॉर्डिंग टू मी। जब हम इस पॉडकास्ट के लिए प्रेप कर रहे थे और आपस में बातें हो रही थी, वी वर सेइंग कि यार ये इतनी हाई कॉन्सेप्ट फिल्म है कि कॉन्सेप्चुअली बहुत एडवांस्ड है, एंड जिसने भी ये फिल्म लिखी है बहुत दिमाग लगाया हर सीन में। आई फील कि जब ये फिल्म शूट भी हुई है तब लोकेशन स्काउटिंग में बहुत दिमाग लगाया गया, लाइटिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया गया, बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड फिल्म है। तो आई एक्चुअली वाज टर्मिंग इट अ हाई कॉन्सेप्ट फिल्म, बट जब आप बातें कर रहे हो ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक्चुअली सिंपलिस्टिक प्रेमाइज है, बट ये सिंपलिस्टिक प्रेमाइज का आइडिया आपसे आया है। आई पर्सनली लुक एट इट एज वेरी वेरी हाई कॉन्सेप्ट। नहीं, इट इज़ लाइक क्या चीज़ होती है कि यार एक कहावत होती है लोकल सीजनल ऐसा कुछ करके होता है कि लोकल खाना चाहिए, सीजनल खाना चाहिए। तो बहुत ही लोकल भारतीय फिल्म है, इंडियन फिल्म है, पर जो आपने कहा कि बहुत ही हाई कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल हाई कॉन्सेप्ट है। इस फिल्म को बनाने में हमें 6 साल लगे। उससे पहले राही ने बहुत मेहनत की हुई थी, जो डायरेक्टर थे। जब राही हमारे पास लेके आया था तो बहुत ही डिटेल चीज़ लेकर आया था कि उसके पास एक 700-800 पेजेस का तो पूरा बुकलेट हुआ करता था, जिसमें स्केच किए हुए थे हर सीन, लोकेशंस के फ़ोटो थे। पंकज और राही, पंकज जो सिनेमाटोग्राफर थे, उन लोगों ने बहुत रेकी की थी, तो हर चीज़ की इतनी रेकी हो चुकी थी। उसके बाद हमने शूट चालू किया, उसके बाद हमने 6 साल लगा दिए। आप फिल्म को देखोगे तो सिनेमाटोग्राफी इतनी कमाल की है फिल्म की, और मूड हमने कैप्चर किया। हमने बारिश में शूट किया है, तो उसके लिए अगर बारिश निकल गई तो हमें 1 साल सीधा जंप करना पड़ता था, क्योंकि बारिश तो चलो आप आर्टिफिशियल करवा लोगे, पर क्लाउड्स मैच करने पड़ेंगे। हमने ऐसे दिन देखे हैं कि जहां हमारा पूरा सेट वेट कर रहा है बादलों के लिए, 3-3, 4-4, 5-5 दिन। और विंडो यही है, अगस्त सेप्टेम्बर में शूट कर सकते हो आप, ये 2 महीनों में। तो नहीं तो मूड मैच नहीं होगा। तो आप पूरी फिल्म में देखोगे तो आपको लगेगा ये ट्रांसपोर्ट करती है आपको। अगर सिनेमा से बाहर निकलोगे तो आप सोचोगे कि बारिश नहीं हो रही क्या। ये चीज़ है VFX। मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। Go ahead. तो भाई मेरे तो पैसे ख़त्म हो गए थे फिल्म बनाते बनाते। तो फिल्म रेडी थी, शूट हो गया था, नाम भी था फिल्म का। तो मैंने सोचा कि मुझे पोस्ट प्रोडक्शन के लिए फंडिंग मिल जाएगी, तो मैं किसी को ले आता हूँ। तो मैंने प्रोडक्शन हाउस को अप्रोच किया, वो तैयार हो गए। अब वो एक सर्टन जगह से VFX करवाना चाहते थे इंडिया में। मुझे वो जगह पसंद नहीं थी, मुझे उनका काम पसंद नहीं था। तो मैंने कहा भाई मैं मेरी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, पर मैं यहाँ से VFX नहीं करवाऊँगा। मैंने स्वीडन से VFX करवाया, और ये तब की बातें, अब तो VFX बहुत आम बात होगी। हमने शुरू किया था 2012 में। ये जो मैं VFX की बात बता रहा हूँ ये 2015-16 के आसपास। और उसमें बहुत मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। वो स्वीडिश आदमी को हम अप्रोच कर रहे हैं, और वो हमें जवाब नहीं दे रहा, ना हाँ कह रहा ना कह रहा। उसको लग रहा है कि हम पैसे नहीं देंगे, हम अननोन कोई हैं। तो उसने हमें कहा कि यार मैं कान फिल्म फेस्टिवल में आ रहा हूँ, कान या कांस जो भी प्रोनाउंस करते हैं, मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन कभी समझ में नहीं आती। तो अगर आप लोग वहाँ आना चाहो तो आ जाओ मिलने के लिए। तो मैं, मेरा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, मेरा डायरेक्टर, हम सब वहाँ गए उससे मिलने के लिए। फिर उसने हमारा शक्ल देखा, उनको लगा कि जेन्युइन लोग हैं, पैसे वैसे दे देंगे। तो उसने काम शुरू किया। तो जैसे कि हर चीज़ का हमने इतना डिटेल किया ना कि जैसे मुझे कभी कभी मुग़ल आज़म याद आ जाती है कि जैसे मुग़ल आज़म की ऐसी स्टोरीज़ हुआ करती है कि जो हीरे थे वो असली थे जिनके साथ उन्होंने शूट किया था। तो हमारी फिल्म आप देखोगे तो ताले देखोगे, फिल्म में बस देखोगे, जो बस यूज़ हुई है वो 1935 की बस है। जो बाइक यूज़ हुई है एक, वो भी करीब उस एरा की बाइक है। तो हर चीज़ जैसी होनी चाहिए ना, कि VFX स्वीडन से हो रहा है, आपका बैकग्राउंड अमेरिका से हो रहा है। और ऐसा नहीं कि कहने के नाम से भी अमेरिका का मतलब हाय, उसका एकदम प्रॉपर आर्टिस्ट ढूंढ कर किया गया है। हमारा पहला कट था 3.5 घंटे का। हमारी एडिटर ने 1.25 साल 1.5 साल सिर्फ एडिटिंग की है, उसको 100 मिनट का बनाया है। तो हर चीज़ को जितना टाइम जो चाहिए था ना, हमने वो दिया है। इसलिए आप कह सकते हो बिल्कुल हाई कॉन्सेप्ट फिल्म है। और फिल्में देखोगे तो बहुत लेयर्स हैं, बहुत कुछ सीखने को है। आई फील कि किसी को ना प्रेप करना पड़ता है तुम्बाड के लिए, तुम्बाड देखने के लिए थोड़ा सा ऑनेस्टली। और ये हम प्रेप कर रहे हैं। कुछ ऑकल चीज़ें हुई। हाँ, मतलब हम एक ये वाड़ा था, अगर आपने देखी है फिल्म जी, जिसमें हम शूट करते थे। और वो वहाँ आसपास के लोग कहते थे कि सर रात को है ना वो थाली में कुछ रख देते थे। तो एक दिन मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये क्या रख देते हो, कि खाना रखते हैं जी, कोई आता है। मैंने कहा पागल हो गया तुम यार, कैसी बातें करते हो। तो मैंने बंद करवा दिया। तो अगले दिन से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ लाइट उड़ जाए, कुछ फ्यूज़ उड़ जाए, कुछ ये हो जाए, कुछ वो हो जाए। तो कुछ तो वियर्ड सा होना चालू हो गया। तो मैंने कहा भाई तुम जो भी करते थे वो रिचुअल करो, इसको बंद मत करो। तो ये हमारे साथ हुआ। और मतलब आपको लगता है कि यार ये कैसे कोई सच कोई हो सकता है, पर हमारी शूटिंग डिस्टर्ब हुई उसके कारण। कुछ ना कुछ और ऐसी चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं है वैसी चीज़ें हो रही हैं, कोई गिर गया, किसी के लग गई चोट, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो फिर हमने कहा भैया इसको चालू रखो आप। मुझे लगता है कोई भी आप इस तरह की फिल्म बनाओ तो ऐसा कुछ हो ही जाता है। ऐसा कहते हैं? हाँ ऐसा कहते हैं। एक्चुअली सवाल यह है कि यहाँ सर 6 साल लगे, 6 साल के लिए आप उस जोन में थे। राइट। आपने कुछ सैक्रिफाइस किया उन 6 सालों में, ऐसा मुझे लगता है इस फिल्म को बनाने के लिए। यार मैंने तो बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया। मतलब 6 साल क्या, मतलब मेरे लिए तो पिछले पूरे डेकेड में मेरी एक ही फिल्म है तुम्बाड एज एन एक्टर। वर्थ इट। थैंक यू। बस यही सुनना था। तो मतलब मैंने मेरी लाइफ ही स्टेक पे लगा दी। मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं कि लोग 100 साल बाद भी तुम्बाड देखेंगे। यार मज़ा आ जाए ऐसा होए तो, पर मुझे लगता है ऐसा पक्का होगा। अगेन मैं आपको टैंजेंशियल सवाल नहीं पूछ सकता, तो अक्सर पॉडकास्ट में ना एक फ़्लो होता है, फ़्लो के हिसाब से जाता है। बट क्योंकि ये वाली सेक्शन हमारी प्री सेक्शन है, इसलिए कुछ आखिरी सवाल पूछूंगा। बिल्कुल। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग तुम्बाड़ से? हाँ, अगर किसी ने नहीं देखी है तो। सिनेमा कभी कभी आपको जादू दिखाता है। हाँ। और तुम्बाड़ वो फिल्म है जिसमें आप जादू देखोगे। दूसरा सवाल, फिल्म देखने के बाद एक इंसान के दिमाग में क्या बदलता है तुम्बाड़ देखने के बाद? तुम्बाड़ देखने के बाद डेफिनेटली एक बार आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि यार बात तो सही है, लालच बुरी बला है। मुझे लगता है तुम्बाड़ देखने के बाद आप थोड़े से ज़्यादा मैच्योर बन जाते हो। इफेक्टिवली हाँ। वही आप कह रहे हो। बिल्कुल, कि ये बुजुर्गों का एक लेसन है कि ग्रीड से दूर रहो। हाँ, लालच बुरी बला है। मतलब हिंदी की बात है कि लालच बुरी बला है। 2018 में जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो जनरली रिसेप्शन क्या थी ऑडियंस की? एंड आई एम सॉरी आई एम ब्रिंगिंग दिस अप, बट व्हेन इट वेंट आउट ऑफ थिएटर्स आपके दिल में क्या था? नहीं, जब फिल्म निकली थिएटर में तो मेरे दिल में बहुत खुशी थी, ऐसी कोई खास बात नहीं है। पहले जो 2 दिन थे वो बहुत टफ थे। मेरा भाई मुझे बहुत बार कहता रहता था कि यार लोगों को लगता है ना कि क्या होगा, इतना बड़ा शहर बॉम्बे कैसे कामयाब हो गए। तो पहले 2 दिन जो कलेक्शन आए थे मेरा दिल टूट गया था। मैंने मेरे भाई को कॉल करके कहा कि यार मैं फेल हो गया। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा मेरी लाइफ में, ना उससे पहले ना उसके बाद में। शाम का टाइम था, मैं 10th रोड पे किराए पे रहता था उस समय। तो मैंने उसको कॉल किया 7-1 बजे के आसपास। मैंने कहा यार तू सही था, मैं फ़ेल हो गया। पर कुछ दिनों में, 1-2 दिन में फिल्म स्टेडी हो गई, चलने लगी। तो जो भी बॉक्स ऑफिस किया, जो ओपनिंग लगी थी उसके हिसाब से काफ़ी डिसेंट बॉक्स ऑफिस था, तो मेरे को उतना दुख नहीं हुआ। सेकंड ये भी था कि फ़िल्म इसलिए सिनेमा से निकली थी क्योंकि अमेज़ोन पे फिल्म आ गई थी, तो फिल्म और रहती। पर उसके बाद जो प्यार मिला, जो OTT पे प्यार मिला, वो अद्भुत था। मैं किसी चीज़ का कुछ भी ट्वीट करता हूँ आज भी, 2 ही क्वेश्चन होते हैं, तुम्बाड़ 2 का बन रही है और तुम्बाड़ 1 री रिलीज़ कर दो। तो ये रहा बस। हाँ, ये ज़रूर है कि एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए 6-7 साल लगे कि आप दे पाए, क्योंकि आप किसी चीज़ से उम्मीद कर रहे हो कि यार ये लोगों तक पहुंचेगी। वो पहुंची भी, पर वो अलग तरीके से पहुंची। मुझे लगता है वो भी एक डेस्टिनी है शायद, इसलिए री रिलीज़ भी हो रही है, शायद इस बार पहुंचेगी। पर्सनली जब मैं किसी फिल्म को देखने जाता हूँ, मैं एक फैक्टर के लिए बहुत प्यासा रहता हूँ। उस फैक्टर का नाम है एटमोस्फेरिक सिनेमा। अरे क्या बात है, जहाँ आपको एक फिल्म देख के ऐसा लगे कि आप भी उसी दुनिया में शामिल हो, स्पेशली वेदर कंडीशंस की वजह से। जो वेदर कंडीशंस फिल्म में दिखाए गए। एक्चुअली भाई आप समझा दो एटमॉस्फेरिक सिनेमा होता क्या है? कि आपको ट्रांसपोर्ट कर दे कोई चीज़। और 2018 में जब फिल्म रिलीज़ हुई थी तो मैं लोगों को इंटरव्यू में कहा करता था कि यार आप फिल्म देखकर निकलोगे तो आपको लगेगा कि यार मैं कहाँ हूँ। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इल्यूजन ऐसा हो, थोड़ा सा खो जाओ आप। तो तुम्बाड़ देखकर जब भी आप सिनेमा से निकलोगे ना तो आपको ये लगेगा कि बारिश नहीं हो रही क्या, ये पहला फील होगा। तो वो अचीव करना मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल होता है। तो उस मायने में एटमॉस्फेरिक है। और जो वूम के सीन हैं, जो वूम ब्रीद करता है, वो बहुत खूबसूरती है इस फिल्म की। हाश। अब पोस्ट सेक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए। ओके दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ द तुम्बाड़ कॉन्वर्सेशन। अगर आपने तुम्बाड़ नहीं देखी है तो इस अगले सेक्शन में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, बहुत सारी एनालिटिकल बातें होने वाली है। आप अगली वाली सेक्शन को शायद एंजॉय नहीं करोगे अनलेस यू हैव गॉन एंड सीन तुम्बाड। तो अगर फिल्म नहीं देखी है तो पॉज करके जाके टिकट खरीद के देखो थिएटर्स में, और अगर तुम्बाड देखी है तो एंजॉय द नेक्स्ट सेक्शन स्टार्टिंग इन 5, 4, 3, 2, 1। कब बन रही है तुम्बाड 2? हाँ यार, ये सवाल ना सभी मुझसे पूछते हैं, पर वो जैसे आपने पहले कहा ना कि फिल्म की डेस्टिनी होती है, फिल्म आपको चुनती है। आपके दिल में है? मेरे दिल में जब मैं तुम्बाड़ बना रहा था तब से है, और 2 नहीं 3 भी है। इट शुड बी ए ट्रिलॉजी। तो तुम्बाड़ 2 की फाइनली हमने एक स्क्रिप्ट लॉक कर ली है, तो मुझे उम्मीद है कि अगले साल हम शूट करेंगे। कब रिलीज़ होगी मुझे पता नहीं है, पर अगले साल हम शूट करेंगे। पर इसी जोन में? हाँ, मतलब थोड़ी सी अलग कहानी होगी, सीक्वल होगा। ओके, पांडुरंग की स्टोरी होगी कि पांडुरंग के साथ आगे क्या हुआ। वाह। पर या उम्मीद है कि हम शूट करेंगे। स्टोरी 47 के आसपास ख़त्म होती है ना? बिल्कुल, 47 के आसपास ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट फिल्म चालू होगी 51 से और जाएगी 70 तक। वाह। जैसे ये चालू होती है 1918 में और चलती है 1947 तक। ये वहाँ से आगे 20-30 साल। यहाँ इंडिया पे भी एक नैरेटिव हो रहा है ना? हाँ हाँ, मतलब कि जो वो थी ना कि आज़ादी मिली है, कि 47 वो था साल जिसमें आज़ादी मिली थी। तो काफ़ी कुछ था फिल्म में, एक ऑल्टरनेटिव एंड भी हुआ करता था फिल्म में। ओके। कि पांडुरंग जो है विनायक को एक बोरी में लपेटता है जैसे दादी की तरह, और खींच के लेके जा रहा है। वो जो फ्लैट लैंड है जहाँ से विनायक ट्रैवल करता है हमेशा, पांडुरंग लेके जा रहा है, और सामने से हम देखते हैं भारत सरकार की गाड़ियाँ आ रही है, क्योंकि अभी वाड़े पे सरकार का कब्जा होने वाला है। तो एक ऑल्टरनेटिव एंड भी हुआ करता था। तो हाँ, उस समय की पॉलिटिक्स थी कि भाई देश ब्रिटिश हुआ करते थे, आपने फिल्म में देखे हैं। तो ये कुछ अलग होगा, इस समय का जो भी होता था वो होगा इस समय में। वो एंडिंग रिजेक्ट क्यों हुई? वो मुझे पसंद नहीं थी। मैं मतलब ऐसा आदमी कि मैंने सब तरह से नर्चर किया लोगों को, भी आपको ये चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सेट वर्क नहीं कर रहा, तोड़ दो। 7 दिन की जगह 17 दिन शूट हो रहा है, बारिश नहीं है, वेट करना पड़ेगा, सब अलाउ है। एंड को लेकर ना मैं बहुत फंसी था। मुझे लगता था कि यार मैं बहुत ही बॉलीवुड फिल्में देख के आया हूँ, तो मेरे लिए इमोशनल होनी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। मेरे लिए ये वर्क करता है कि बाप ने बेटे के लिए जान दे दी, तो आप इमोशनली इतना कुछ, आप कितना भी महान कुछ देख लो, पर अगर आप इमोशनली मूव नहीं हुए ना किसी तरह से, रोए हंसे, कुछ कुछ होना ज़रूरी है। तो मुझे लगता था कि वो इमोशनली थोड़ा सा मूव होना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, कि विनायक को अगर पांडुरंग खींच के ले जाएगा तो बात बनेगी नहीं, लोगों को कंप्लीशन, वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता हुआ नहीं दिखेगा। ये मेरे हिसाब से पूरी स्टोरी कंप्लीट होती है कि कहाँ से शुरू हुआ, उसका एक रिडेम्पशन भी है विनायक का, कि विनायक इज़ नॉट अ हीरो और नॉट अ विलन, थोड़ा सा ग्रे कैरेक्टर है। तो मुझे लगता है कि वो ज़रूरी था। मैं इस एंड पे था कि यार मैं इसी एंड के साथ जाऊँगा। ऑल्टरनेट एंडिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। बिल्कुल। बेसिकली उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये रहा होगा कि विनायक खुद अभी दादी माँ बन जाता है। हाँ हाँ, दादी माँ की तरह रहता है घर पे। मतलब आगे होता तो शायद पांडुरंग उसको दादी माँ की तरह रखता या क्या करता, पर फिल्म वहाँ छोड़ देती है। इससे पहले एक और ऑल्टरनेटिव एंड हुआ करता था, तो 3 एंड थे। तो एक हमने शूट किया था 2012-13 में, जब हस्तर काले रंग का हुआ करता था। मैंने आपको बताया ना कि प्रोस्थेटिक काफ़ी बार फेल हुआ। तो उसमें क्या होता था, फिल्म कहाँ ख़त्म होती है? वहाँ ख़त्म होती है जब हस्तर आ जाता है, वो बहुत सारी गुड़िया लेके आता है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, नहीं तो जो लोग पहली बार देखने जाने वाले हैं उनको मज़ा नहीं आएगा। और हस्तर ऊपर से रस्सी काट देता है, और इतने में फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये एंड हुआ करता था। फिर मैंने जो दूसरा बताया, ये एंड हुआ करता था। फिर तीसरा एंड हुआ। आप कभी आओ मेरे ऑफिस में, आपको फुटेज दिखाऊंगा, वो हमने पूरा शूट किया हुआ है। तो आपको मज़ा आएगा देखने में कि अरे वाह, ये एंड हुआ करता था, ये हुआ करता था, फिर ये फाइनल हुआ। ओके, क्या आप सीक्वल्स में भी एक्टिंग करोगे? मैं बिल्कुल एक्टिंग करूँगा यार, बहुत मेहनत से बनती है फिल्म। मैंने आपको बताया कि एक्टर का जॉब तो बहुत मज़ेदार है, प्रोड्यूस करने में जान निकल जाती है। तो मैं पक्का एक्ट करूँगा। मुझे एक्टिंग से प्यार है। मुझे प्रोड्यूस करने में कुछ ऐसा ज़्यादा मज़ा नहीं आता, मुझे एक्टिंग में बहुत मज़ा आता है कि आप एक्सप्लोर करते हो नए नए कैरेक्टर, नई नई चीज़ें, मज़ेदार काम होता है। okay. पांडुरंग और विनायक में फ़र्क क्या है एज ह्यूमन बींग्स? पांडुरंग विनायक का बाप है। वैसे विनायक पांडुरंग का बाप है और पांडुरंग 4 कदम विनायक से भी आगे है। विनायक का कैरेक्टर है कि उसमें करेज है, पांडुरंग शाना है, पांडुरंग में करेज भी है, दिमाग भी है। विनायक थोड़ा पहलवान टाइप है कि थोड़ा करेज उसका, अगर आप एक शब्द में कहो तो विनायक का होगा करेज, दलेरी, कि दिलेर आदमी है। एक फिल्म में डायलॉग है कि आप, वो कहता है इतना हिसाब रखते हो क्या, वो कहता है आप हिसाब रखिए मैं साहस रखता हूँ। तो विनायक का कैरेक्टर का कोर है दिलेरी, कि जाता है, हस्तर से लड़ता है। पांडुरंग का थोड़ा विजनरी मामला है कि यार पूरा बैंक ही क्यों नहीं लूट लाते, ये फ़र्क है। ओके, इन्हीं कैरेक्टर्स को देखने का एक और साइकोलॉजिकल नज़रिया है। पूरी फिल्म लालच के बारे में, लालच मेन थीम है। पहले आपको लालच दिखाई देता है दादी में, राइट, फिर बहू में, फिर विनायक में, फिर पांडुरंग में, राइट। एंड कॉन्स्टेंटली लालच का लेवल बढ़ते जाता है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। सीक्वल में लालच को लेकर ही फिल्म बनेगी या और कोई इमोशन एक्सप्लोर की जा रही है? नहीं, बिल्कुल लालच। मुझे लगता है कि तुम्बाड़ का कोर जो है वो लालच है, पर इस बार गोल्ड का लालच नहीं होगा। यहाँ ना आप इजीली यूनिवर्स ऑफ तुम्बाड़ बना सकते हो, मतलब ट्रिलॉजी के बियॉन्ड भी। यही बात हो रही थी हमारे बीच जो हम प्लानिंग कर रहे थे कि आपने ना तंत्र की दुनिया से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स अडॉप्ट करे हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट करके एक फिल्म बनाई है, राइट। ये फिल्म का आइडिया ओरिजिनली कहाँ से आया? फर्स्ट आइडिया किसके दिमाग में टपका? नारायण धरप एक राइटर थे मराठी, उन्होंने बहुत कुछ लिखा लिटरेचर। उनकी शॉर्ट स्टोरीज हुआ करती थी 3, जो राही ने ली उनसे, फिर राही ने उस पर कुछ बनाया, फिर वो हमारे पास आया, फिर हमने उस पर कुछ और बनाया, कुछ और हमारे राइटर्स ने काम किया। वही आप वाली बात कि डेस्टिनी, कि वो चालू कहीं और से हुआ था, धीरे 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 होते हुए कहीं और पहुंच गया। एक देवी का एलिमेंट भी था फिल्म में, वो जो पूर्ति की देवी थी। उस देवी के बारे में बताइए कि क्या एक असली देवी है या सब स्टोरी थी, मतलब राही लेकर आया, एक स्टोरी थी, पता नहीं स्टोरी नहीं भी हो, कहीं से कुछ हो, वी डोंट नो ना कि कहाँ कुछ थी। एक दंत कथा थी, वही दादी माँ की फोकलोर, किसी ने कहाँ एलिमेंट लाया, पर हमारे पास तो एक स्टोरी के रूप में आई थी और उस पर फिर और काम कर करके एक प्रोलॉग बनाया गया कि पूर्ति की देवी अंतहीन सोने और अनाज का प्रतीक है और ये पृथ्वी इसकी कोख है, पर या हमारे लिए तो स्टोरी थी यार। पता है एक बात की चर्चा हो रही थी जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, विच इज़ दैट जब तुम्बाड़ रिलीज़ हुई थी, मुझे याद है तुम्बाड़ और कांतारा को कंपेयर किया जा रहा था बहुत ज़्यादा, बट दोनों फिल्में अच्छी हैं और दोनों फिल्में बहुत अलग है। पर मैं मानता हूँ कि एक कॉमनैलिटी है कि डेटीज़ का, देवताओं का आशीर्वाद है दोनों फिल्मों पर। कांतारा भी तो रहा है, मुझे लगता है बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस किया था कांतारा ने, हमारे वाले भी हो जाए तो मज़ा आ जाए। पर आप मानते हो कि आशीर्वाद है ही आशीर्वाद? मतलब आई गेस ये भी होता है कि आप थोड़ी सी प्योर इंटेंशन से कुछ बनाना चाहते हो, बिना करप्ट हुए बनाना चाहते हो, तो लोगों तक पहुंच जाता है। मतलब ऑनेस्टी थोड़ी सी प्रीमियम पे तो है ही इंडिया में। क्या सबसे माइंड बेंडिंग सीन कौन सी थी आपके लिए? वो सीन ना फिल्म में है नहीं। हाँ, वो सबसे महंगा सीन था हमारा प्रोडक्शन वाइज, कि आज़ादी मिली, आज़ादी का दिन है और जूनियर आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है और विनायक और पांडुरंग वॉक करके जा रहे हैं। तो फिल्म में क्या है कि एक एंगल है जो उतना एक्सप्लोर नहीं होता है, विनायक और उसकी माँ का एंगल, वो बहुत ही दीवार टाइप का एंगल है कि अमिताभ बच्चन और उसकी मदर की। तो पांडुरंग और विनायक जा रहे हैं, तो विनायक पांडुरंग को आइसक्रीम खिलाता है, तो पांडुरंग कहता है कि बहुत अच्छी है, कि आप भी खाओ ना, वो कहता है कि नहीं यार अब स्वाद नहीं रहा। तो वो जो एक होता है ना कि रूल कि आप एक रोटी खाओगे भूखे हो तो बहुत अच्छा लगेगा, 2 खाओगे थोड़ा कम, 3 खाओगे कम, 4 में आपको क्या नहीं चाहिए। मैंने कहता जीभ का स्वाद नहीं रहा। तो पांडुरंग पूछता कि आपने पहली बार कब खाई थी? तो विनायक कहता था आई लेके आई थी बर्फ़ का गोला, और उसकी आंखें नम हो जाती। वो बहुत ही इमोशनल सीन था। तो मुझे वो सीन हमेशा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशंस को एक्सप्लोर नहीं करती है, रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा, विनायक और उसकी माँ की रिलेशनशिप को उतना एक्सप्लोर नहीं करती है, जो कहीं स्क्रिप्ट में था, एडिटिंग में, चीज़ों में वर्क नहीं करता तो निकल जाता है। तो वो सीन मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है। पर वो है नहीं फिल्म में। Okay. एक और सीन मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि विनायक को अगर आप पूरा देखते हो तो बहुत ही ऐसा लगता है कि इस आदमी के पास दिल है ही नहीं। ऐसा लगता है। एक सीन है जहाँ उसका जो दोस्त होता है राघव, जो वूम में जाता है और वो मुक्ति मांगता है और विनायक की आंखें थोड़ी सी नम होती है और उसको मुक्ति दे देता है। तो मतलब विनायक भी अच्छा इंसान हो सकता था, उसको माहौल नहीं मिला वैसा। तो उसमें एक स्टोरी है, वो सीन मुझे बहुत पसंद है। ओके okay. दादी, राघव जी और विनायक के बारे में बात करना चाहूँगा। बिल्कुल कीजिए। ये जो हो जाता है उन्हें, हाउ डू डिस्क्राइब, कैसे बताओ? भूत बन जाते हैं, ज़ॉम्बी बन जाते हैं, जो भी। फिल्म में एक डायलॉग है कि ऐसा कोई देव जो तुझे छुए और तू अमर हो जाए, तू हज़ारों साल जिए और तेरा सिर्फ दो ही काम हो, सोना और खाना, तू ऐसा चाहेगा? तो पांडुरंग कहता है ऐसा कौन नहीं चाहेगा बाबा। विनायक कहता है जिसको पता हो ये मौत से भी बढ़कर श्राप है। तो उसका नाम तो आप क्रीचर कह सकते हो कि आप राक्षस बन गए हो, ऐसा कुछ टर्म यूज़ कर सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि दादी और जिसने भी एक्टिंग करी उसकी पहली बार, उस एक्टर को क्या कहा गया? वो तो दादी था, दादी हाँ, उसको क्रीचर कहा गया। पर उस एक्टर को क्या बोला गया, किस तरह की एक्टिंग करनी है या अच्छा कि कैसे ट्रेनिंग दी? हाँ, वो खोजा गया कि ये कैसे बात करेगी। और वो इम्प्रोवाइज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, वो इम्प्रोवाइज भी हुआ कि वो थोड़ा सा हंसती है तो लालची है तो वो हमने फिगर आउट किया कि इमेजिनेशन से क्या होना चाहिए। और एक बहुत ही मज़ेदार सीन है कि वो जब पहले जाता है तो दादी ऐसे बात करती है, और जब विनायक बड़ा होकर जाता है तो दादी पेड़ बन जाती है, और विनायक कहता दादी पेड़ बन गई। तो बहुत ही अतरंगी सीन है। वो सब इम्प्रोवाइजेशन, इमेजिनेशन के थ्रू आया कि अच्छा ये ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले दादी 500 किलो की हुआ करती थी ओरिजिनल डिज़ाइन में, पर वो प्रोडक्शन वाइज करना बहुत मुश्किल था, तो फिर कुछ और किया गया। तो ऐसे हमने खोजा कि ये कैसे बात करेगी, क्या होगा, वो सब इम्प्रोवाइज करके हमने उसकी लैंग्वेज निकाली कहीं ना कहीं। बट थॉट क्या थी? स्केयर करना था ऑडियंस को या क्रीप आउट करना था? इंगेज करना था। हमारे लिए, मेरे लिए बहुत ही क्वर्की कैरेक्टर है। और भाई दी आपको पता है जिसने मेरा बेटा प्ले किया है उसी ने दादी प्ले किया था, तो इंगेज करना था। मैं आज भी एक कुछ प्रोमो सुन रहा था, वो हमने काटा, उसमें कहता है वो बच्चा जाता है खजाने के लिए, आजा राजा बेटा खजाना चाहिए। अब ये कितने, अब जैसे आप हंसे ना, तो एक अजीब सी एंगेजमेंट है। तो ऐसा नहीं था कि स्केयर करना है, क्वर्की कैरेक्टर है दादी, थोड़ी सी वियर्डनेस। हाँ वियर्डनेस, थोड़े से कैरेक्टर ऐसे ही हैं तुम्बाड के, मतलब कोई बहुत सीधे कैरेक्टर नहीं है। तो पांडुरंग है तो वो भी ऐसा है, वो पांडुरंग दादी दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए वो पांडुरंग प्ले कर पाया, क्योंकि दादी में जो, और कुछ कुछ चीज़ें एक्टर भी लाते हैं, जैसे समद ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया दादी में। मतलब चीज़ें ऐसा नहीं होता कि आप एकदम पन्ने पे सोच के बनाते हो। मुझे लगता है इतनी खूबसूरत बनती भी नहीं, चीज़ें अपने आप इम्प्रोवाइज होती हैं, चीज़ें अपने आप अपना शेप लेती हैं, तो मज़ेदार होती हैं कहीं ना कहीं। मेकअप कैसे किया था? मेकअप में टाइम लगता था, बहुत टाइम लगता था यार। प्रोस्थेटिक करने में जाते थे 6-7 घंटे। दादी का प्रोस्थेटिक करना वो बेचारा बच्चा करवाता था। उसके अलावा हस्तर बाद में वीएफएक्स में बना, पहले हमने प्रोस्थेटिक में शूट किया। 6-7 घंटे लगते थे। और जो मेरे वाला हुआ था बाद में, मैं 1-2 रात सोया नहीं था, क्योंकि वो करो उतारो, 7 घंटे करो फिर उतारो, तो मैं उस मेकअप के साथ ही जितने घंटे 2 घंटे कुर्सी पे नींद आती थी उतनी ले लेता था। तो इसका मतलब एटलीस्ट 6-7 घंटे का प्रोसेस था मेकअप का। बहुत सारे सवाल है, बताओ ना। हस्तर का एक्टर सेम ही था थ्रू आउट? हस्तर का एक्टर चेंज होता रहा, पहले किसी ने और ने हस्तर प्ले किया, फिर किसी और ने। हस्तर प्ले करना टास्क हुआ करता था यार, बहुत ही सफोकेटेड फील करते थे वो। मतलब प्रोस्थेटिक मतलब क्या, प्लास्टिक होता है सब, आदमी को अंदर घुटन होने लगती है, तो इट वाज वेरी टफ। तो टाइम टू टाइम एक्टर चेंज होते रहे, उसमें भी बहुत काम हुआ। बहुत सारे एक्टर्स को ट्राई किया, किसी को कथक आता है क्या, ताकि कुछ मूवमेंट दे सकें, कुछ अलग कर सकें। तो बहुत मेहनत की गई उन सब चीज़ों में, फिर जाकर कहीं ये अचीव हुआ। वूम कैसे बना? इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार। पहले जो हस्तर था वो केव में हुआ करता था, एक काले रंग की केव होती थी जहाँ से हस्तर आता था, वो फुटेज है मेरे पास। फिर धीरे धीरे मैंने बताया ना, हस्तर वर्क नहीं किया, रीराइटिंग शुरू हुई, तो एक आइडिया आया कि यार इसको वूम बना देते हैं, और वूम धड़केगा। अगर आपने फिल्म देखी है तो वो ब्रीद करता है, तो वो धीरे धीरे सब ये आइडियाज़ ऐसे नहीं थे कि पहले दिन से कागज़ पे थे, धीरे 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 इम्प्रोवाइज़ होकर हुआ कि यार इसको ऐसे चेंज कर देते हैं। तो वो फुटेज जो हमने शूट की थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई, जो केव में काले अस्तर के साथ शूट की थी। फिर दोबारा नए से शूट किया। खर्चा कितना आया था? सब कुछ बिक जाए उतना खर्चा आया था। वो वूम बनाया कैसे? पर वो सब प्रोडक्शन डिज़ाइन का काम था, बहुत रिसर्च, इन सब चीज़ों में इमेजिनेशन ज़्यादा यूज़ हुई है। एक आर्टिस्ट हुआ करता था नितिन हमारे यहाँ, और वो लड़का मेरे पास आया था इंटर्न, एज ए इंटर्न। उसका काम होता था कि फ़ोटोकॉपी करवा ला, ये कर ले, और उसने कुछ स्केच किया दीवार पे, वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो हमने धीरे 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 उसको प्रोडक्शन डिज़ाइनर बना दिया। तो उसने सब चीज़ें डिज़ाइन की, फिर एग्जीक्यूट की। और जैसे मैंने पहले कहा ना, ये बहुत टफ हुआ करता था क्योंकि सबके सपने बहुत बड़े थे, किसी को आता नहीं था कि कैसे करेंगे। बहुत ही ट्रायल एंड एरर। ये वूम का सेट भी 2 बार बन के बिगड़ा है, फिर कहीं जाकर अचीव हो पाया है। बड़ी कहाँ बनाया था? भांडुप, कोई वेयर हाउस मिला होगा। हाँ, वेयर हाउस, वहीं। गॉट इट। आपने फिल्म यार बड़े प्यार से देखी है, मैं एक बात कहूँगा, आपने बड़े मन लगा के फिल्म देखी है। मतलब आई फील कि जितने लोगों को फिल्म मेकिंग थोड़ी भी आती है ना, वो तुम्बाड को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। लिटिल थिंग्स, लाइटिंग, साउंड डिज़ाइन, एटमॉस्फेरिक नेचर। यू आर राइट कि बहुत मुश्किल फिल्म है, और बहुत बहुत सोच समझ कर जिस तरह की फ्रेमिंग। एक एंड में सीन है जहाँ पांडुरंग अकेले खड़ा हुआ, वहाँ थोड़ा सा वो डच एंगल यूज़ किया गया। मुझे ये याद, कुछ कुछ सीन्स रह जाता है आप में, बिल्कुल, पर इन सीन्स के पीछे जितना दिमाग लगा है, ओनली अनदर फिल्म मेकर विल अंडरस्टैंड कि अच्छा यहाँ पावर है ये फिल्म में। आई एग्री। आप कब डायरेक्ट करने वाले हो फिल्म? एक्चुअली डायरेक्ट करनी है। बिल्कुल करनी चाहिए आपको। करनी चाहिए, पता चल जाता है। हाँ हाँ, इतनी सारी बातें कर पाते हो आप यार, मतलब यहीं से तो खुलती है ना कि चीज़ें आप यू कैन सी इट ना, कि ऐसा एंगल है या ये है, तो कुछ है जो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। यू शुड डायरेक्ट अ फिल्म, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम अ शॉर्ट फिल्म। आर्टिस्टिक गोल यही है। एक पॉइंट के बाद, प्लस एक और एंगल है, टेक का एंगल है, बट जो भी ये अभी सोरा जान तो चैट जीपीटी है। हाँ, उसका एक वीडियो वर्जन बन गया। अच्छा, तो वीडियोस कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव होते जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो ये ऐसे मान लो, एंड दिस इज बाय नो मीन्स टू से दैट, मतलब ये जितनी भी मेहनत लगी है, ये भी आइकॉनिक है, ये एक लेजेंडरी फिल्म मेकिंग की कहानी है। बट जो बहुत ज़्यादा मुश्किल सीन्स होते हैं, एट सम पॉइंट आई थिंक एआई इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी कि आप घर बैठे ग्राफिक्स बना पाओगे। आई थिंक दुनिया वहाँ जा रही है, जितनी समझ मेरी है। तो आई थिंक फिल्म मेकिंग ईजियर बन जाएगी और स्टोरी टेलिंग ज़्यादा मुश्किल। वो अभी भी हो ही रहा है। मतलब जो आप कह रहे हो ना कि वीएफएक्स बहुत आसान हो गया है, मैट पेंटिंग, ऐसे नाम हुआ करते थे तब, नए नाम हुआ करते थे। पर मुद्दा ये कि हम लोगों को छू नहीं पा रहे हैं। आप वीएफएक्स से इमोशन नहीं क्रिएट कर सकते, यही स्किल होती है। हाँ, स्टोरी टेलिंग अलग चीज़ है, टेक्निकल अलग चीज़ है। तो ये जो आपने कहा कि यही स्किल होती है स्टोरी टेलिंग की, जो आपने, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, जो आपने एंड की बात की, वो एंड यही था कि वो मुझे टच चाहिए। मतलब सब क्रिएटिविटी, सब कुछ करो जो कुछ करना, पर अंत में ना मुझे महसूस कराओ कि यार बाप ने बेटे के लिए जान दे दी। यही तुम्बाड़ के कॉन्टेक्स्ट में इसी थॉट को एक्सपैंड कर दो कि इतने लोग आज भी इस फिल्म के बारे में क्यों बात करते हैं। हम वैसे भी थोड़ी फिल्म मेकिंग जानते हैं, फिल्म मेकर्स बात करते हैं, राइटर्स रूम्स में बातें होती है तुम्बाड़ की, बट आम जनता, मतलब जिन्हें कभी फिल्म मेकिंग करनी भी नहीं है, वो लोग भी बात कर रहे हैं इस फिल्म के बारे में। तो आपने करेक्ट क्या किया है अकॉर्डिंग टू यू? ये दिल वाले पार्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए तुम्बाड़ कॉन्टेक्स्ट में। एक ये पापा ने, वो जो आपने कहा, बाप ने जान दे दी बेटे के लिए। मतलब मुझे लगता है कि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी इतनी अद्भुत है। मैं उस समय भी किसी को दिखाता था ना, उसको फिल्म समझ में नहीं आती थी, पर ऐसा लगता था यार कैमरा का काम बहुत अच्छा है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2014 की। उस समय सिनेमाटोग्राफी कोई बात ही नहीं करता था यहाँ पर, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब ये होता था कि यार आइटम सॉन्ग कितने हैं, गाने कितने हैं, कॉमेडी कितनी है। तो मैं उस समय भी फुटेज दिखाता था ना किसी को, तो राह चलता आदमी कहता था कि यार सुंदर बहुत है। तो जो सुंदरता है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करती थी उस समय, सुंदरता। हाँ, कि सिनेमाटोग्राफी बहुत खूबसूरत है, कि बारिश, मूड, ये लोगों को अट्रैक्ट करता था। उस समय भी फुटेज देख के लोगों को मज़ा आता था। ये जिस समय फिल्म आई थी उस समय सिनेमा में कनेक्ट नहीं की, क्योंकि कोई बड़ा स्टार नहीं था, बड़ा डायरेक्टर नहीं था, वो ज़माना अलग था, हमारे आगे अंधाधुन पीछे बधाई हो, साथ में फर्स्ट मैन। पर ओटीटी पे लोगों ने प्यार दिया क्योंकि बहुत ही इंडियन स्टोरी है, तो उसने मुझे लगता है कि वो बहुत वर्क की है। प्लस ग्रेट, सॉरी मैं ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ, बट ग्रेट हॉरर फिल्म्स, ग्रेट साइकोलॉजिकल फिल्म्स की एक कमी है, क्योंकि ये टैग आ जाता है, सो पीपल आर ये सॉरी आई नो दिस। नहीं प्लीज़ आप कहिए, मुझे हॉरर फिल्म से बहुत डर लगता है। बाय द वे मैंने मेरी ज़िंदगी में 1.5 हॉरर फिल्म देखी है, एक तो राज जो पूरी देखी है, बिपाशा वासु, हाँ बिपाशा वासु वाली, और एक भूत देखी जो मैं आधी देख कर आ गया। मुझे बहुत डर लगता है, तो मुझे हॉरर फिल्मों से बहुत डर लगता है। और क्योंकि जो लोग मुझे पूछते हैं कि यार आपकी फिल्म बहुत डर लगता है देखे, और मेरे लिए बहुत इजी है कि आपको पता है कि यार समधी तो यार जो दादी बना हुआ है वो मतलब शूट कर रहा है, वो ज़मीन के नीचे है। मैं पूछ रहा हूँ बेटा चाय पिएगा, चाय मंगवाऊँ तेरे लिए, कॉफ़ी मंगवाऊँ, और तो मेरे लिए तो कुछ भी वियर्ड नहीं है। हस्तर मैंने थोड़े दिन पहले एक पोस्ट किया कि मैं ऐसे सोया हुआ हूँ, सर्कल बना हुआ है और हस्तर साइड में है। अब लोगों के लिए वो इमेज बड़ी खतरनाक है, मुझे तो पता है यार वो कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है। हाँ तू ठीक है ना यार, तेरे को कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, कि हम दोनों ही हैं, मतलब कुछ कैमरा लगा हुआ, हम मैं वैसा हूँ नहीं कि जाके वैनिटी में चला जाऊँ। मैं वहीं लेट जाता था सेट पे, तो मैं बात करता रहता था उनसे, तो चाहे आधा घंटा मैं सो लेता था वहीं, मुझे बहुत मज़ा आता था। मुझे सेट पे रहने में ना बहुत मज़ा आता है, तो मेरे लिए मुझे क्या डर लगेगा वहाँ पर। मुझे जब दूसरों की फिल्म देखता हूँ ना, भूत, राज, तो मुझे बहुत डर लगता है। कि शूटिंग के दौरान कैसे सपने दिखाई देते थे रात में? रात में कभी कभी बहुत डरावने सपने दिखाई देते थे। बीच में तो ऐसे होने लगा था कि मैं किसी को कहता था कि यार मेरे पास सो, कि मेरे रूम में मैं मेरे किसी दोस्त को कहता था यार मुझे आज ना थोड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सपने आएंगे फिर नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी अगले दिन काम नहीं कर पाओगे। तो मैं कहता था किसी ना किसी को, यार मेरे पास सुला दो, मुझे आज नींद नहीं आएगी, मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है। तो थोड़ा सा आप क्या उस जोन में स्टेप इन कर ही जाते हो। ऐसी फिल्में, कोई भी फिल्म शूट करते हो, अगर आप एक गैंगस्टर की फिल्म शूट कर रहे हो तो आपके दिमाग में वो थोड़ा सा चलने लगेगा। कि एक शायद दिलीप कुमार साहब ना बहुत चले जाते थे फिल्मों में, तो डॉक्टर ने कहा था कि आप इतना मत जाया करो, कैरेक्टर में आप बह जाते हो। तो एक्टर्स के साथ काफ़ी बार होता है मुझे लगता है। हस्तर आते थे सपने में? हस्तर से ज़्यादा दादी आती थी सपने में क्योंकि दादी से विनायक का रिलेशन ज़्यादा क्लोज है, तो हस्तर से ज़्यादा दादी आती थी सपने में। राजा बेटा खजाना चाहिए, जो दादी की सेक्शन है स्टार्ट में, जहाँ वो उसे बांध देती है, ये सब प्री प्लान था कि ऑन सेट प्लान हुआ? नहीं, प्री प्लान थी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें प्री प्लान थी, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। दादी का कैरेक्टर चेंज हुआ, कि दादी बंधी हुई है ये हमेशा हुआ करता था, दादी वो जो चेन है उससे बंधी हुई है ताकि दादी कहीं जाके किसी को खा ना जाए। पहले दादी अलग हुआ करती थी, फिर ये दादी थी तो इसमें वो सलाखें लगी हुई ताकि दादी का मुंह ना खुले, तो दादी किसी को खा ना जाए। प्लान थी चीज़ें, पर उसके बाद ऊपर चीज़ें इम्प्रोवाइज़ हुई कि ऐसा नहीं ऐसा करते हैं। हमने शूट होने के बाद भी चीज़ें चेंज की, क्योंकि हमें लगा कि यार ये फिल्म के साथ जाएगा, ये फिल्म को और बेटर बनाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत हुई। जब हम यूनिवर्स, सिनेमैटिक यूनिवर्स की बातें करते हैं, तो मैं आपसे अब पूछूंगा, आई एम श्योर कि आपने इसके बारे में सोचा है कि और कैसे स्टोरीज हो सकते हैं इस यूनिवर्स में? बहुत सारे स्टोरीज हो सकते हैं। हमने रामसे ब्रदर्स की 3 फिल्मों के राइट्स लिए हुए हैं, वीराना, पुरानी हवेली, पुराना मंदिर। तो देयर इज़ अ प्लान कि कहीं से कुछ हो जाए, तो हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। यूनिवर्स का आइडिया थोड़ा सा नया है हमारे लिए, पर ट्रिलॉजी का आइडिया हमेशा हुआ करता था हमारे पास। क्या पता रामसे ब्रदर्स के साथ अटैच हो जाए ये स्टोरी। पर आप लिंक कैसे करोगे? कुछ ना कुछ कैरेक्टर, वो तो सब कुछ। आप राइटिंग का कमाल यही होता है कि यू कैन प्लान। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है। बट मान लो आपने एक्चुअली यूनिवर्स ऑफ तुम्बाड बनाया, यू हैव टू डेडिकेट 30-40 years ऑफ योर लाइफ, एटलीस्ट 10 years। एटलीस्ट 10 years, यू ओके विद दैट? या डेफिनेटली। जैसे आपने कहा ना कि एक इनफ है, तो अगर 3-4 ऐसी बना दी तो और क्या चाहिए यार। मतलब बहुत कुछ है ना, कि हस्तर की स्टोरी यू कैन एक्सप्लोर, दादी की स्टोरी यू कैन एक्सप्लोर, कि दादी कहाँ से आई, हस्तर कैसे बना, राघव के साथ क्या हुआ। बीच में इतनी स्टोरीज हैं कि विनायक बच्चा था, विनायक यंग हुआ, उसके बीच में विनायक क्या कर रहा था, राघव कौन हुआ करता था। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, और हस्तर और उसका एक पूरा यूनिवर्स खुल सकता है। पर वो पता नहीं मैं करूँगा नहीं करूँगा। कई बार आपको एक्साइटमेंट होती है, कई बार आपको लगता है कि नहीं यार कुछ और भी तो बनाना है, क्योंकि मुझे एक और फिल्म बनानी है जो तुम्बाड़ से 10 गुना ज़्यादा बड़ी है, और उस फिल्म का नाम है संतोष लक्ष्मी। तो ये भी एक पीरियड फिल्म है, तो वो भी मेरा ड्रीम है बनाना। पर तुम्बाड़ ट्रिलॉजी कंप्लीट करूँ ये मेरा पक्का सपना है कि ये तो मैं बनाऊँगा। संतोष लक्ष्मी, हाँ बट ये हाई कॉन्सेप्ट फिल्म रहेगी आई एम श्योर। तो वो एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो वो भी बनाना है। पता नहीं यार, तुम बात तो सही कह रहे हो कि 10 साल में कैसे हो पाएगा, तो रहने देते यूनिवर्स का प्लान, क्या बोलते हो? ये हो गया गुड प्रॉब्लम टू हैव, हाँ हैप्पी प्रॉब्लम टू हैव। हाँ यार, संतोष लक्ष्मी बनानी है तो तुम्बाड की ट्रिलॉजी इनफ है। जब हम ये पॉडकास्ट की प्लानिंग कर रहे थे एक क्वेश्चन निकल के आई थी कि जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई है स्पेशली तुम्बाड के लिए, ठीक है जनरली पूछ रहा नहीं हूँ, स्पेसिफिकली तुम्बाड के इस फिल्म के लिए फिल्म इंस्पिरेशंस क्या रहे हैं? यहाँ बेसिकली आप फिल्म रिकमेंडेशंस भी दे रहे हो। हाँ, बहुत तुम्बाड फैंस। पैन्स लैब्रिंथ करके एक फिल्म है, गिलमत, आई कांट प्रोनाउंस दैट नेम, तो वो उनको बहुत इंस्पायर करती थी, पैन्स लैब्रिंथ। हाँ okay. तो वो फिल्म हुई, मे बी शायद एक और फिल्म थी रोड टू पार्टीशन, गेम ऑफ थ्रोन्स सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता था, क्योंकि उस समय गेम ऑफ थ्रोन्स आया ही था जब हम ये फिल्म बना रहे थे। तो वो उसकी टोनैलिटी और तुम्बाड़ की टोनैलिटी बहुत ही सिमिलर है, तो ये सब कुछ रेफरेंस हुआ करते थे, जिसको देख के लगता था कि यार ऐसे सेटअप में इंडियन ये कितना खूबसूरत है, गेम ऑफ थ्रोन्स कैसा सुंदर दिखता है, अलग तरह का सुंदर दिखता है। मतलब ऐसा नहीं सुंदर दिखता कि खूब ऐसा बड़े बड़े न्यूयॉर्क के शॉट्स हैं, वैसा सुंदर नहीं दिखता है, अलग तरह का सुंदर दिखता है। तो ऐसा लगता था कि इस सुंदरता में हम इंडियन कहानी कैसे कहें, तो मुझे लगता है कि ये सब रेफरेंस हुआ करते थे। गेम ऑफ थ्रोन्स मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन हुआ करती थी कहीं ना कहीं, मिडीवल डार्क सुंदर, मतलब उसमें भी वही है ना स्टोरी में। जबकि अगर आप देखो तो राही ने स्टोरी बहुत पहले लिख ली थी, गेम ऑफ थ्रोन्स शायद 2011-12 से आना शुरू हुआ था, राही ने तो ये फिल्म लिख ली थी 2005-6 में। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ से कोई एलिमेंट उठा रहे हो, पर एक आपके सेंसिबिलिटी होती है ना कि आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरी दुनिया है, तो मुझे लगता है राही की वो दुनिया थी। पर गेम ऑफ थ्रोन्स में जैसे थोड़ा सा वो भी हैं कि क्या बोलते हैं, नाइट वॉकर, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड इज़ वेरी सिमिलर, कि हाइपर रियल, रियलिटी भी है कुछ और भी है। तो मुझे लगता है कि वो गेम ऑफ थ्रोन्स करेक्ट है तुम्बाड़ के लिए। नाइट वॉकर ये शब्द मैं बहुत टाइम से सुना नहीं। नाइट वॉकर कैसे थे ना, और मतलब ड्रैगन्स, जो पहला सीजन था जब नेड स्टार्क मरता है तो आपको लगता है कि नेड स्टार्क मर गया, आपको लगता है कि ये हीरो था यार, ये कैसे मर सकता है, तो कुछ था यार उसमें। तो मुझे लगता है कि वो एक हमारे लिए हुआ करता था समझने की चीज़। मान लो आपके पास हाइपोथेटिकली 10,000 करोड़ थे और फिर आपसे कहा जाता कि अभी जाके आप तुम्बाड 2 बनाओ, आपका फिल्म मेकिंग का प्रोसेस बदलता? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये कि आपके पास 10,000 करोड़ होते तो आप किसको कास्ट करते तुम्बाड में? मैं भाई खुद को कास्ट करता हूँ, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया है कि प्रोड्यूस करना बहुत टफ काम है, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, मैं यहाँ हूँ एक्टर बनने के लिए, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है एक्टिंग करने में, तो पहली बात। दूसरी बात, मैं फिल्म वही बनाता जैसी बननी चाहिए थी, 10,000 करोड़ हों या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उससे चीज़ें आप बिगाड़ कोई लोगे। जैसे कि अगर मुझे कमर्शियल करना होता तो मैं इस फिल्म को कभी का यूज़ कर चुका होता था, कि तुम्बाड़ को तो प्यार मिल गया था पहले साल में, तो तुम्बाड़ 2 अभी तक बन के बाहर आ गई होती थी। पर मुझे लगता कि पता नहीं क्या बनेगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, पर एटलीस्ट मुझे तो समझ में आना चाहिए कि हाँ यार ये तुम्बाड़ 2 बन रही है, इसमें मज़ा आएगा। तो मुझे भी तक मज़ा नहीं आया। अब फाइनली एक स्टोरी है जो हमने फाइनल की है, तो पैसों से ज़्यादा इंटेंशन का लेना देना है मुझे लगता है और तुम्बाड़ के साथ। पर मतलब अगर आपको किसी सुपरस्टार्स को पिक करना होता तो कॉन्सेप्ट आपके दिल में ऑलरेडी है तुम्बाड़, यूनिवर्स ऑफ तुम्बाड़ का, चेहरे किसके दिखाई दे रहे हैं आपको? मुझे भाई खुद का चेहरा दिखाई देता है, किसी का चेहरा नहीं दिखाता, लालची हूँ मैं। एक्टर विक्रम हो सकता है, कुड बी अ गुड चॉइस। या मैं सोच रहा हूँ कि और कौन है, रणवीर सिंह हो सकता है, रणवीर सिंह उस दुनिया में फिट बैठता है। क्यों पता नहीं, मुझे लगता है ऐसा लुक है कि जैसे बाजीराव की है उसने, ये फिल्म कौन सी थी जहाँ ओल्ड स्कूल सोनाक्षी सिन्हा के साथ, हाँ लुटेरा, हाँ सेम टोनैलिटी, सिमिलर टोनैलिटी, सेम तो नहीं। जो मुझे रणबीर कपूर बहुत पसंद है, पर मुझे लगता है रणबीर कपूर तो तुम्बाड़ के यूनिवर्स में नहीं बैठता। ज़्यादा साफ सुथरे हैं। हाँ तो मतलब थोड़ा सा या रणवीर सिंह आई थिंक क्या के मैनन नहीं यार, वो थोड़ा सा अलग पर्सनालिटी चाहिए। रणवीर सिंह या विक्रम। विक्रम वुड बी अ गुड चॉइस। और कौन? अजय देवगन। मृणाल ठाकुर हो सकता है। मैं ये भी सोचो कि एक्चुअली महाराष्ट्र से कौन है, कि रूटेड इन महाराष्ट्र कहानी है। पर रणवीर सिंह ने बहुत अच्छा एक्सेंट किया था, बाजीराव में बहुत अच्छा एक्सेंट किया था। मुझे तो मेरी तो जान निकल गई थी, क्योंकि हमने फिल्म शूट कर ली और फिल्म की एडिट देख रहे हैं हम। और मैं हूँ राजस्थान से और मेरा आसपास का एरिया हरियाणा, तो ऐसे लग रहा है कि हरियाणवी जाट खड़ा होकर बात कर रहे हैं। तो भी हुआ कि डबिंग में फिक्स करो इसे, तो वो मराठी जो लहजा लाना होता ना। और बाय द वे रणवीर सिंह को जिसने ट्रेन किया था उसी आदमी ने मुझे ट्रेन किया था, तो फिर उसने मुझे ट्रेन किया धीरे धीरे। मैं तो मतलब वो कायदा होता ना वो लेके बैठ गया, ए फॉर एप्पल। उसने कहा भाई ऐसे होता नहीं है, थोड़ा सा लहजा पकड़ना होता है। तो बड़ा टफ काम था मेरे लिए। मतलब मुझे अगर आप पूछोगे ना फिल्म के शूट में बॉडी बनाना, बारिश में शूट करना, कीचड़ में, कुएँ में जाना, सब आसान था। जो मराठी एक्सेंट पकड़ना था ना वो बहुत टफ था दोस्त। आपको भुवन को कास्ट करना चाहिए, भुवन बाम एज अ राक्षस। वो कर भी लेंगे। अरे उसको तुम्बाड बहुत पसंद है यार। उसने बहुत प्यार दिया फिल्म को, बहुत तारीफ़ की है। मुझे भी दिल्ली में मिला था तो बोल रहा था हाँ राइट, भुवन महाराष्ट्रियन भी है। राइट राइट, रियल रिकग्नाइज रियल भी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फन फन थॉट एक्सपेरिमेंट। और कोई नाम लेना चाहोगे आप? सारे लोगों के कॉल आ जाएंगे। पॉडकास्ट करता है रणवीर। मैं भी शायद आई डोंट नो इफ आई फिट ऑन। पांडुरंग तो तुम प्ले कर सकते हो यार। नहीं हाँ वो थोड़ी हरामीगिरी है। आई डोंट नो, मतलब एक है फेस में पांडुरंग यू कैन प्ले या एक्चुअली। नाइस थॉट। मुझे पांडुरंग का कैरेक्टर अभी जब आप कह रहे हो ना कि विजनरी है ये वो, आई कम्प्लीटली अग्रीड इन माई हेड कि हाँ एग्जैक्टली यही शब्द था। विजनरी है पांडुरंग यार, मतलब विनायक वैसा विजनरी नहीं है। विनायक बहुत ही करेज वाला गेम है विनायक का। आप यूनिवर्स ऑफ तुम्बाड़ में लाओगे मेंटल हेल्थ का एंगल समाओ? उसके लिए तो अलग फिल्म बनानी पड़ेगी। मेंटल हेल्थ से ही रिलेटेड एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये मैं एज अ प्रोड्यूसर नहीं पूछा बट एज एन एक्टर, कोई मेंटल हेल्थ खराब करने वाली सीन थी? या अनदर वे ऑफ आस्किंग इट इज, सबसे क्रीपी सीन कौन सी थी? या सबसे आपके लिए सबसे लाइक नॉट अ पॉजिटिव सीन? नॉट अ पॉजिटिव सीन वही जो हस्तर के साथ आमना सामना होता था। मतलब कुछ आप इतना ट्रिगर हो जाते थे कि कुछ चीज़ें जो प्लान नहीं की होती, कि वैसे चिल्लाता है विनायक हाँ, ये कुछ प्लान नहीं थी। मतलब आप करते करते आपके अंदर इतना एक एंगस्ट आ जाता है कि एक कुछ भी कह लो कि आप ऐसा करने लगते हो। तो जो हस्तर के साथ सीन थे वो थोड़े टफ हुआ करते थे, वो थोड़ा मेंटली आपको एग्जॉस्ट कर देते थे। तो उन सीन्स के टाइम थोड़ा सा 2-3 दिन आपके अजीबोगरीब निकलते थे, थोड़ा सा अनईजी आप फील कर रहे हो क्या कि यू आर नॉट फीलिंग गुड, समथिंग इज़ बॉदरिंग यू एंड यू कांट डिकन्स्ट्रक्ट एवरीथिंग, यू कैन फील ओनली। कि ऐसा नहीं कि आप सोचो कि यार ये मतलब मैथमेटिक्स नहीं हो सकता ना कि यू नॉट फीलिंग वेल की। तो हस्तर के सीन थोड़े से डार्क और आपको एक अलग सी साइकोलॉजी में स्टेप इन करवाते थे। मुझे लगता है नेगेटिविटी थोड़ी रहती थी। हाँ मतलब हस्तर के टाइम शूट करते हुए थोड़ा सा मैं ऐसे मूडी और नेगेटिव हो जाता था। और ख़ासकर वो सीन में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई जहाँ मेरा प्रोस्थेटिक हुआ है और जहाँ मैं क्रीचर बन गया हूँ। तो वो अजीब सा, एक तो आपका प्रोस्थेटिक अजीब सा है, आपके कहीं ब्लड निकल रहा है कहीं कुछ हो रहा है। वो सीन शूट करते हुए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। बट प्रोस्थेटिक के अलावा मेंटली इमोशनली स्पीकिंग मुश्किल क्या था वो करते हुए? मतलब यही होता ना कि आप स्टेप इन करते हो उस कैरेक्टर में कि वो किस चीज़ से गुजर रहा होगा। तो थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट लगती है कि जैसे आपने कहा ना कि कोई भूत बन गया तो वो 7 1 साल का 7 साल होगा। तो आप एज ए ह्यूमन बींग आप सोचते नहीं हो कि क्या है, आप थोड़ा सा साइकोलॉजी में जाते हो तो उसको लगता है यार इसकी जर्नी कैसी होगी, कि अगर वास्तव में ऐसे कोई देव हो जो तुझे छूए और आप ऐसे हो जाओ तो उसके साथ कितनी सफरिंग है। तो वो सब इमोशन आपके कहीं ना कहीं बाहर आने लगते हैं, मुझे लगता है। okay. क्या आपको ये लगता है कि हस्तर की भी एक बैक स्टोरी है? हस्तर की तो बहुत सारी स्टोरी, एक स्टोरी तो बताई गई है, ओरिजिन्स ऑफ हस्तर, वो तो बताया गया है फिल्म में कि पूर्ति की देवी अंतहीन सोने और अनाज का प्रतीक है और ये पृथ्वी देवी की कोख है। स्टार्ट में कि हस्तर को सब कुछ चाहिए था, उसको आटा भी चाहिए था, सोना भी चाहिए था, तो बाकी उसके भाई बहन जितने थे उन्होंने उस पर वार किया। वो ब्रीफली एक स्टोरी बताई गई है, मतलब उस पर पूरी एक फिल्म हो सकती है, हस्तर पुराण। अच्छा, प्रीक्वल जैसी, प्रीक्वल का प्रीक्वल प्रीक्वल का भी प्रीक्वल। ओके, एक आखिरी सवाल है आज, पूछिए ना। मैंने निचोड़ दिया आपके दिमाग को, अरे सॉरी, अरे मजा आ गया। ये अरे प्लीज, ये जेन्युइन अप्रिसिएशन है फिल्म मेकिंग की। जी जी, मैं तो आपका, मतलब आपने बहुत स्टडी किया, आपने फिल्म को बहुत ही प्यार से देखा है। लोगों ने नहीं देखा इतना प्यार से, लोगों ने देखा होगा, लोगों ने बहुत प्यार दिया होगा, पर लोगों ने मुझसे ऐसे बात नहीं की ना। लोगों को मतलब मुझे इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता ना कि और मैं जब जेन्युइनली देखता हूँ कि लोग इन्वेस्टेड हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है। कोई क्वेश्चन करता है कि यार ये ऐसे कैसे किया, वो कैसे किया, तो आपको लगता है कि हाँ यार जो हम बात पहुँचाना चाहते थे लोगों तक पहुँची है कहीं ना कहीं। 2018 में फिल्म रिलीज़ हुई थी, राइट, मतलब 6 साल पहले। इन 6 सालों में हमने काफ़ी सारे हिट्स देखे जो थोड़े वही डार्क सिनेमा ओरिएंटेड, भूल-भुलैया टू, स्त्री टू वगैरह। आप ये मानते हो कि तुम्बाड का एक इफेक्ट रहा है इंडियन सिनेमा पे? डेफिनेटली मुझे लगता है कि तुम्बाड का इफेक्ट रहा है। तुम्बाड शुरू हुई थी 2012 में। उस समय मुझे याद है कि VFX की एक ही फिल्म आई थी, शाहरुख खान साहब की, RA1 या रावन जो भी है। VFX की यहाँ बातें नहीं होती थी, प्रोस्थेटिक की कोई बात नहीं करता था, सिनेमाटोग्राफी की कोई बात नहीं करता था, फोकलोर की कोई बात नहीं करता था। तो होता तो ये है ना कि और हुआ करता था, कम से कम वर्सोवा में तो हुआ करता था कि राही करके एक डायरेक्टर है जो एक सब्जेक्ट बना रहा है, तो लोग इंस्पायर होते हैं कि अच्छा कोई और बना रहा है तो मैं भी बना सकता हूँ। तो एक इंस्पिरेशन होती है ना कि चीज़ें ऐसे चलती हैं। तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि कुछ खुलता है। जैसे आपने कहा ना कि आपका एक क्वेश्चन था कि तुम्बाड कहाँ से इंस्पायर, या तुम्बाड का जॉनरा आप सेट करना चाहो तो क्या होता है, तो डेफिनेटली वहाँ से हुआ। और उसके बाद तुम्बाड़ के बाद बहुत सारी फिल्में आई भी हैं इस, कि उस समय लोगों को बहुत रिस्की लगता था, बहुत ही प्रोड्यूसर्स को रिस्की लगा करता था। मेरे जैसा आदमी जो शायद नाइव था या मैड था जिसने बना ली फिल्म, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन थोड़ा सा होता है तो रिस्क लेने की एक कैपेसिटी होती है, या मैं अपने आप को कहूँ कि नाइव था, मैंने बना ली। तो लोग बनाते नहीं थे, पर वो जब एक बार प्यार मिल जाता है तो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला हो जाता है। तो काफ़ी मुझे लगता है कि तुम्बाड़ का एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में फोकलोर स्टोरीज़ को आगे बढ़ाने में। आपने ब्रह्मयुगम देखी है? यार मैंने देखी नहीं है, बहुत सुना है उसके बारे में। आपने देखी है? हाँ। कैसी लगी आपको? यू कांट एग्जैक्टली पुट इट इन तुम्बाड का जॉनर, बट है सिस्टर ऑफ द यूनिवर्स। अरे वाह, है माइंड। मैंने सुना बहुत है यार, मुझे देखनी है, मैं देख नहीं पाया, पर मैं देखूंगा जरूर। पूरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट में बनाई है। अच्छा। और वियर्डली ये मेरी इंट्रोडक्शन टू मलयालम सिनेमा थी। पर यार मलयालम में फिल्में बहुत अच्छी अच्छी बनती हैं, यू शुड वॉच कुम्बल नगी नाइट्स, बहुत अच्छी फिल्म है। और रिकमेंडेशंस सुपर डिलक्स, और मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाता। अभी मैंने फहद फासिल की एक फिल्म देखी थी, महेश समथिंग, बहुत अच्छी थी। एक फिल्म और है फहद फासिल की जिसमें वो चेन स्नैचर होता है, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है। और क्या देखा मैंने मलयालम में, ये देखी मंजूमेल बॉयज़ मैंने नहीं देखी, मैंने वो दूसरी देखी अभी जो फहद फासिल की नई फिल्म थी, आवेशम, मज़ा आया वो। और क्या देखा मैंने, अंगम अली डायरीज एक करके फिल्म थी। पर मलयालम फिल्में बहुत अच्छी बन रही है यार, बहुत अच्छा सिनेमा बना रहे हैं। ये जो एक मतलब उनका फॉर्मेट ये है कि वो स्टार सिस्टम को ब्रेक कर गए हैं, वो फिल्में बना रहे हैं कंटेंट ड्रिवन। तो मतलब आवेशम के क्या बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, तो मज़ेदार काम कर रहे हैं। अपैरेंटली ये पहले से होता था केरला में, मैं नहीं जानता इसके बारे में, पर बेसिकली जब आप भी 90s किड हो, मैं भी 90s किड हूँ, हमें बताया जाता था कि केरला हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट। या तो मैं मानता हूँ अगर पूरा स्टेट ही एडुकेटेड है तो सिनेमा भी एकदम फाड़ू बन सकता है। पर अब ना पिछले 10 सालों में इंटरनेट की वजह से हिंदी बेल्ट भी बहुत ज़्यादा एडुकेटेड बन चुकी है. आई फील इंडिया इज़ रेडी फॉर तुम्बाड नाउ. आई एग्री विद यू. मतलब मुझे, और हमने तो बेवकूफ़ी की 12 में शुरू कर दी थी. मतलब हमने उस समय ऐसा सोचा था. वो हो सकता है काफ़ी आगे की बात हो, 2018 भी आगे की बात हो. और अभी लोगों ने, मुझे लगता है कोविड का बहुत इम्पैक्ट रहा इसमें. कोविड के कारण लोगों ने बहुत बाहर का सिनेमा कंटेंट कंज्यूम किया है. तो आई एग्री विद यू कि तुम्बाड के लिए भी मुझे लगता है कि करेक्ट टाइम है. ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए ऑडियंस रेडी है. आई फील कि दुनिया भी अप्रिशिएट करेगी इस फिल्म को इफ़ दे फाइंड इट. या डेफिनेटली. मतलब फिल्म का प्रीमियर हुआ था वेनिस फिल्म फेस्टिवल में, तो ऐसा नहीं कि बाहर से प्यार नहीं मिला, बहुत प्यार मिला है फिल्म को. मैं चाहता हूँ कि अमेरिकन पॉडकास्ट में बातें हो जाएँ इसकी. इट्स जो पैरासाइट ने कोरिया के लिए किया, तुम्बाड जैसी फिल्मों को इंडिया के लिए करना चाहिए. अब मुझे पर ऐसा लगता है कि यार, वो मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि आपकी फिल्म ऑस्कर नहीं गई तो आपको कैसा लगता है. मुझे लगता है यार, ऑस्कर की क्या ज़रूरत है. हमें कोई ज़रूरत कोई है उनके वैलिडेशन की. वो बताएंगे कि हम अच्छे हैं या नहीं है. हमारी ऑडियंस हमें प्यार करे, हमारी ऑडियंस तक फिल्म पहुँचे, इससे बड़ा कुछ नहीं है. इससे उससे बड़ा रिवॉर्ड कुछ नहीं है. इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मेरी एक कैपिटलिस्टिक टेक है थोड़ी सी. हाँ ठीक है. देखो, OTT प्लेटफॉर्म्स कभी नंबर्स रिवील नहीं करते, राइट, कि किस फिल्म को कितना देखा गया है वगैरह. जैसे यूट्यूब पर व्यूज़ आ जाते, सब्सक्राइबर्स आ जाते, दिस इज़ नॉट द केस फॉर OTT. पर अभी OTT भी इंडिया में 10 साल के लिए रहा है रफली. तो मैं मानता हूँ कि जब आपके आसपास के लोग या आसपास के दो अलग अलग ग्रुप किसी शो या सीरीज़ या मूवी के बारे में बात करने लगते हैं, उसका मतलब ये है कि वो मूवी सुपर हिट हो चुकी है. हाँ, सुपर हिट की डेफिनेशन बदल चुकी है 2024 में, राइट. एंड ये 2018 में जब से रिलीज़ हुई है, तब से हर 3 महीने कोई ना कोई तुम्बाड के बारे में बात करता है इन डिफरेंट वेज. कोई पॉडकास्ट पे, कोई ग्रुप्स में, राइटिंग रूम्स में, कोई हॉरर फैन वगैरह. उसका कारण यही है ना यार कि मुझे नहीं पता इसका क्या रेफरेंस है. कोई आप फिल्म बता सकते हो जो तुम्बाड का रेफरेंस है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से? अपने आप में एकदम यूनिक है. मतलब ऐसी कोई स्टोरी हमने देखी नहीं ना. मतलब 50 साल, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप फोकलोर की बात करोगे तो आपको हाथी मताई याद आएगी, जहाँ तक मेरी समझ है. तो कोई रेफरेंस नहीं ना, कुछ नया है और बहुत ही इंडियन है. तो इसलिए लोगों के साथ मुझे लगता है कि रह गया. इसलिए लोगों को बहुत पसंद आया, लोग बात करते हैं. और जो मेहनत डाली थी वो लोगों तक पहुँची, चाहे वो सिनेमाटोग्राफी हो, चाहे VFX हो, चाहे साउंड हो, चाहे इफेक्ट हो, कुछ भी चीज़ें हों. तो इसीलिए मुझे लगता है कि, और मेरा तो लाइफ से ये सीखना है कि यार, आप अपना प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाओ तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा. तो पहुंच गया लोगों से, इस रास्ते से, उस रास्ते से, सिनेमा नहीं तो OTT, कैसे ना कैसे तो पहुंच ही गया. लोग बात कर रहे हैं 6 साल बाद भी, और हम पूरे जोश खरोश के साथ रिलीज़ कर रहे हैं. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है री रिलीज़ के साथ? मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है यार. जितना हो जाए अच्छा है, जो आ जाए, लोग कह दें कि मज़ा आएगा. पर इस बार तुम्बाड़ के साथ एक सरप्राइज़ भी है. फिल्म में कुछ तो ऐड किया हमने छोटा सा, तो लोग जो देखेंगे बहुत मज़ा आएगा. लोगों के लिए जो तुम्बाड़ फ़ैन है उनको बहुत मज़ा आएगा. ईस्टर एग वो आप देखना तो पता चलेगा. ओके, सोहम भाई, 2 चीज़ें कहना चाहूँगा. बिल्कुल. पहले तो थैंक यू कि इंडियन सिनेमा के लिए आपने कुछ बहुत तोड़ फोड़ किया है, तो जेन्युइनली थैंक यू एज अ फ़ैन ऑफ इंडियन सिनेमा. और ये सारे इंडियन सिनेफाइल्स आपसे कहेंगे कि थैंक यू. वो आई थिंक वो आप जानते हो. थैंक यू. हाँ, मतलब उसके लिए बहुत मेहनत की है. ये थैंक यू कमाने के लिए बहुत मेहनत की है. पर नहीं यार, मतलब ऐसा कुछ नहीं है. मुझे लगता है कि लोगों का प्यार मिला, यहाँ की ऑडियंस ने प्यार दिया, आप जैसे लोग हुए तो तुम्बाड़ जिंदा है. नहीं तो मतलब पहले दिन के जो हमारे कलेक्शन थे, ऐसा लगता था कि फाइल बंद हो गई है बॉस, 7 साल की मेहनत पानी में मिल गई है. पर ऑडियंस, आप जैसे लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी बात की, तो लोग कहीं, मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने इतनी बात की. यहाँ इधर जैसे आपने भी कहीं बात की, तो फिर उससे बात चालू होती, किसी ने कहीं और बात की, तो इसी तरह चर्चा में आई फिल्म कहीं ना कहीं. सोहम भाई, थैंक यू, मज़ा आ गया आपके साथ. थैंक यू रणवीर, मुझे बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ बात करके यार. ये था आज का पॉडकास्ट. आई फील लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ द जर्नी इन सम स्मॉल कैपेसिटी नाउ. तो मैं फ़ैन रहा हूँ इस फिल्म का, एंड आई जस्ट होप कि बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखे, नॉट जस्ट नाउ बट ओवर द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स. मैं मानता हूँ कि ये एक सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव से गेम चेंजिंग फिल्म है भारत के लिए, पर लोग ये सच्चाई अब जानेंगे 2020s में. थैंक यू रणवीर, थैंक यू. और तुम्बाड़ 2 के लिए आपकी डेट्स तो मिलेंगी. क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? मिल जाएंगे. थैंक यू रणवीर, थैंक यू भाई, थैंक यू, मज़ा आ गया. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड और इसी के साथ टीआरएस की जर्नी खत्म, क्योंकि मैं तुम्बाड 2 में पांडुरंग आई एम किडिंग, क्या पता, पर एंजॉय किया ना ये वाला एपिसोड। ऐसी फिल्मों को सेलिब्रेट करना चाहिए यार। हमने इतने सारे पॉडकास्ट बनाए हैं डार्क फिल्म्स के टॉपिक को लेकर। आई जस्ट होप कि भारत भी डार्क सिनेमा को डिस्कवर करे, इस तरह के एटमोस्फेरिक सिनेमैटिक सिनेमा को डिस्कवर करे। जाके तुम्बाड़ को देखो थिएटर्स में, द फिल्म डिजर्व्स ऑल द एड्यूलेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम आवर कंट्री। भारतीय फिल्म है ये, वन ऑफ द गोट भारतीय फिल्म्स है फॉर मी। अगर आपको थोड़ी सी भी फिल्म मेकिंग आती है ना, आप इस फिल्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे। जाके तुम्बाड़ देखो, और अगर तुम्बाड़ देख लिया और आपने ये पॉडकास्ट भी पूरी तरह से कंज्यूम किया विच इज़ 99% ऑफ यू, तो बताओ कैसा लगा आज का पॉडकास्ट। ऐसे ही पॉडकास्ट आपकी ओर आते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में हमें मूवी रिकमेंडेशंस दीजिए और भी मूवीज़ रिकमेंड कीजिए, डिस्कस कीजिए कि इसी तुम्बाड़ के जॉनर में वर्ल्ड वाइड सिनेमा से और भारतीय सिनेमा से और कौन सी मूवीज़ हम सारों को कंज्यूम करनी चाहिए। लेट्स डिस्कस एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, फ्रॉम TRS, फ्रॉम रणवीर, फ्रॉम द टीम, विल सी यू वेरी वेरी सून। जय